तो कैसे हैं आप सब? हमने तीसरे अध्याय के महात्म्य तक श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ लिया है, तो आज हम तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। तीसरा अध्याय। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं तथा आप मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हों। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य ना तो कर्मों के ना करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और ना कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त होता है। तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते रहते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हट से रोककर इंद्रियों के भोगों से मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए तो शास्त्र विधि से नियत करते हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। कर्म ना करने से तो पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं के देने वाला होवे, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे, तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है, वह निश्चय चूर है। कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, तथा वृष्टि यज्ञ से होती है और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। तथा उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, अर्थात शास्त्रानुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा ही में प्रीति वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होवे, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि संसार में इस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और ना किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं। इससे तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छे प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जन कादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने को ही योग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसी के अनुसार बरतते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न बरतूं, तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं अर्थात बरतने लग जाएंगे। तथा यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर का करने वाला हूं तथा इस सारी प्रजा का हनन करूं अर्थात मारने वाला बनूं।
इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के रूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुण गुणों में बरतते हैं ऐसे मानकर नहीं आसक्त होता है, और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जान, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष हैं, उन दोषों के वश में ना होवे, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। इसलिए उन दोनों को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छे प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर यह पुरुष पलात लगाए हुए श्रुदश न चाहता हुआ भी किससे मेरा प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह ही महा अशन अर्थात अग्नि के सुदृश भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको तू वैरी ही जान। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है और जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वास स्थान कहे जाते हैं, और यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार, और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूप वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो तेरी यह भूल है, क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों का पर श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से पर मन है, और मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मार। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म योग नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव।